प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने ट्विटर पर ट्वीट किया कि वो इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट त्याग दें, यानी कि वो सोशल मीडिया को छोड़ दें। जिसके बाद तमाम लोग इस बात की अटकलें लगा रहे हैं, आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, क्या वाकई में आने वाले संडे को वो ऐसा कर देंगे। तो जवाब है कि ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि पीएम मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को छोड़ देंगे। इसमें कोई ट्रिक हो सकती है, इसमें कोई जोक हो सकता है और इसमें कोई ऐसी बात हो सकती है जो पीएम मोदी संडे को शेयर करें। शायद वो उन फेक न्यूज़ करने वालों पर बरसे जिनको पीएम मोदी फॉलो करते हैं और वो लोग फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं और इस वजह से पीएम मोदी का नाम भी ख़राब हो रहा है। शायद पीएम मोदी उनको हिदायत दे कि अगर वो इस तरह से कुछ भी शेयर करना बंद नहीं करेंगे तो वो उनको फॉलो करना बंद कर देंगे। इस तरह की चीज़ें शायद हो सकती हैं, लेकिन हर किसी के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शायद है। हकीकत में पीएम मोदी क्या करेंगे किसी को नहीं पता। लोग कह रहे हैं मजाक में, ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा लगता है पीएम मोदी मज़े मज़े में सोशल मीडिया को बंद कर देंगे और अपनी एक अलग नई तरह की सोशल मीडिया लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी है कुछ भी कर सकते हैं, अगर पुराने नोट बंद कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पर को भी बंद कर सकते हैं और बिल्कुल देसी सोशल मीडिया लॉन्च कर सकते हैं। खैर ये सब मजाक की बातें हैं और मजाक में ही हो रही हैं। इस वक्त कोई नहीं जानता पीएम मोदी और उनकी पीआर टीम के अलावा कि आखिर पीएम मोदी संडे को क्या ऐलान करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। हालांकि एक बात तो साफ है और क्लियर है कि पीएम मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को काफ़ी मुश्किल छोड़ेंगे या फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। इस बात की उम्मीद बेहद कम है क्योंकि बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये बात पीएम मोदी भी समझते हैं, पीएम मोदी की पीआर टीम भी समझते हैं, तो पीआर टीम कभी भी उनको ये सलाह तो देगी ही नहीं कि वह सोशल मीडिया छोड़ दें। तो देखने वाली बात होगी आखिर जो पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया इसके पीछे ट्रिक क्या है और इसकी रियलिटी क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।